सीएए का विरोध करने वालों को सीएम योगी की चेतावनी, कहा गलतफहमी में ना रहे, कयामत का दिन कभी नहीं। सपा सांसद आजम खान को पत्नी बेटे समेत भेजा गया जेल। बिजनौर में कार की टक्कर से पिता पुत्र व दामाद की मौत, 3 घायल। बेरोजगारी के आंकड़ों को लेकर सपा सदस्यों ने विधानसभा में किया हंगामा। बीएमआई कांड में कोर्ट ने मूल केस डायरी को लेकर एसपी को लगाई फटकार, डीजीपी और प्रमुख सचिव गृह से रिपोर्ट तलब। पहली बार यूपी पुलिस को आईआईएम इंदौर सिखाएगा ट्रैफिक मैनेजमेंट। रामपुर में बस की टक्कर से बुलेरो सवार 5 लोगों की मौत। जालौन में पिता की लाइसेंसी पिस्टल से युवक ने खुद को मारी गोली। बसपा सुप्रीमो मायावती ने दिल्ली हिंसा की उच्च स्तरीय जांच कराने की मांग की। मुजफ्फरनगर में युवती ने छेड़खानी के आरोपी युवक को जमकर पीटा। देश और दुनिया की सबसे पहले खबर पाने के लिए हमारे चैनल द यूपी हेडलाइंस को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।